करोड़ लोगों का कवर है और 80 लाख लोग कल तक उनका इलाज हो चुका है, लेकिन दिल्ली में एक का भी नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यह योजना लागू नहीं की। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास, आज देश भर में 1.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास में घर मिले हैं, लेकिन यहां ये योजना लागू नहीं की, इसलिए ये भी नहीं आए। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान, पीएम किसान, इस योजना में किसान को मदद के रूप में 6000 रूपये हर साल मिल रहे, उनके खाते में जाते हैं, लेकिन ये योजना भी दिल्ली में नहीं आई क्योंकि उसको लागू नहीं किया। और इसलिए हमने जो दिया है, और हरदीप जी बोलेंगे जहां दुखी वहां मकान बनाए, अनधिकृत पार्टियों का विकास, क्योंकि दिल्ली का एक अंतिम मेरा वाक्य है, दिल्ली का आप अगर चित्र देखोगे तो लिटिल दिल्ली है जो बहुत ही प्लान है, 140 साल पहले बनी और इतना अद्भुत प्लानिंग है। देखा है कि लोग कैसे काम करते, लोग कैसा विचार करते, सूर्यून का परिचय देते हैं। पिछली बार दिल्ली में जब परिवर्तन हुआ कांग्रेस के 15 साल तो पैसा नहीं थी, और अचानक एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, और उसके बहुमत भी संग्राम में निकल, लोगों को एक लगा था कि कोई क्रांतिकारी आएगा, ये क्रांति भी बदल नहीं निकले। और इसलिए उन्होंने एक विश्वास जताया कि अरे अन्ना हजारे की मूल दुनिया ही है, लेकिन बाद में अन्ना को ही अन्ना से ही मूवी बनाई। और ये जो यहां सरकार बनी तो उसका आधार यही था कि कोई नई राजनीति लाने वाली पार्टी नहीं, आशा के साथ लोगों ने, लेकिन आशा का रूपांतर विश्वास में नहीं हुआ, विश्वासघात में हुआ। और इसलिए जो आज हम देख रहे हैं, वचन दिया था बच्चों की कसम खाती कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, 8 दिन में गए, वचन दिया था कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, और पहले दिन घर से मारुति से निकल के डॉक्टर गए तो लोगों को लगा कि क्या नया राजनीति शुरू हो गया, अच्छी है। यहां मोदी जी ने हमारे वीआईपी कल्चर तब तक खत्म करके सबके लाल किले निकाल दिए, लेकिन अब ये गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं कहने वाले, 4 बंगले और 17 गाड़ी नहीं बाबू यूज कर रहे कि ये मेरे खिलाफ इतने एंट्रीज आ रहे हैं, मेरे खिलाफ इतने नेता आए हैं। अरे भाई, ये बीजेपी है, आपकी पार्टी और हमारी पार्टी में फर्क है। मैं उनको उदाहरण देना चाहता हूं, 1985 जब यहां एक उपचुनाव हुआ था साउथ दिल्ली का, जो विजय कुमार वर्सेज आनंद सिंह हुआ था, उस समय भी उपचुनाव के लिए हम महाराष्ट्र से 15 कार्यकर्ता आए थे, प्रमोद जी आए, और मैं उस समय केदारनाथ साहनी जी के घर रहा था 1.5 महीना और काम किया। तो ये बीजेपी है, अन्य पार्टी और बीजेपी में फर्क समझ लीजिए। बहुत सारी पार्टियां एक परिवार की पार्टी होती है, हमारी पार्टी ही पूरा एक परिवार है, ये फर्क है दोनों संस्कृत देने में सकते हैं। वो एक परिवार की पार्टी है, हम पूरी पार्टी ही एक परिवार है। और ये तो यहां पर जो सत्ता में बैठे हैं वो तो एक आदमी की पार्टी है। तो इसलिए बीजेपी का ये जो कंसेप्ट है कि सारे देश भर से कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं और हर चुनाव में जाते हैं, तमिलनाडु में हो, कश्मीर में हो, जाते हैं, सब काम करते हैं जो दिया है, और यही काम करते हैं। आज हमें सुबह उनको भी एक न्यूज चाहिए तो वो भी बताते हैं।